तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1092 के स्पॉयलर्स और मैं आ चुका हूँ और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है कॉज इसमें लूफी की जरूर अकेनू तो है ही बट और भी कुछ अमेजिंग चीजें होने वाली है। तो इस चैप्टर का टाइटल है द टायरेंट अटैकिंग होली लैंड इंसिडेंट, मतलब वही अपना कुमा मारी जो उसमें गया है ना वो सीन। देन कवर पेज एक रीडर रिक्वेस्ट है जिसमें जिनबे स्विमिंग कर रहा है बट कुछ रेमोरा फिशेस उससे चिपक गई है कॉज देखो बेसिकली रेमोरा फिशेस फूड के लिए शार्क्स के आसपास भटकती रहती है और उनसे चिपकती है। एनीवेज तो चैप्टर स्टार्ट होता है कुमा के मारिजॉस पहुंचने से जिसके बाद कुछ गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट कुमा यूरे से शॉक यूज करके उन्हें वाइप कर देता है। लॉ वाला नहीं उसका खुद का अटैक जिसमें कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी इंजोर होते हैं जिसे रोकने के लिए फिर खुद फ्लीट एडमिरल अकेनू आता है और कुमा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बट कुमा अपना सिग्मा मेल है तो वो अकेनू को जवाब देना जरूरी नहीं समझता तो अकेनू को गुस्सा आ जाता है और वो कुमा पे अटैक कर देता है। अकेनू अपने हिलाउंड अटैक से कुमा के फेस का कुछ पार्ट मेल्ट कर देता है जैसा उसने व्हाइट बियर्ड के साथ किया था ना सेम वैसे, बट कुमा अपने आप को डिफेंड नहीं करता है और फिर बाद में वो वहां से भाग जाता है। फिर क्या वही सेलेस्टियल ड्रैगन्स का होना कि अकेनू वो तेरे सामने से निकल गया और तू क्या देख रहा था भाई। ये लोग अकेनू को जानते नहीं है, वो बंदा गोरोसी की भी नहीं सुनता, अगर उसका दिमाग घुमा ना तो वो इनको कब रोस्ट कर देगा इनको खुद को भी पता नहीं चलेगा। एक तो वैसे ड्रैगन ने इनका राशन कम कर दिया है बट फिर भी इनका ईगो की कम होने का नाम ही नहीं लेता, इसलिए इनकी बात छोड़ो हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। तो ये बात टाइम स्किप के पहले की है जब अकेनू को देखकर ब्लैकबेर्ड की फटी थी और वो बोनी को छोड़ के भाग गया था और जब अकेनू बोनी के पास आता है तो वो उसे समझाता है कि कुमा ने अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशंस करवाए हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देख सकते हैं जहाँ एगेड आइलैंड पर कीजर वर्सेस लूफी स्नेकमैन फाइट चल रही है और उनकी फाइट के कई पैनल्स हम इस चैप्टर में देख सकते हैं। कीजर के दोनों हाथों में लाइट है और वो उससे लूफी के सारे अटैक्स ब्लॉक कर रहा है और देखने से ऐसा लग रहा है ना कि दोनों आर्मर्ड हॉकी यूज कर रहा है। और अगर किजारू भी कॉनकरर हॉकी यूज करता है तो मैं इतना सरप्राइज नहीं होने वाला हूँ, आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर किजारू अपने स्टाइल में लूफी से कहता है कि तुम सच में बहुत टफ हो और जिस आदमी ने काइडो को हराया हो उससे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना, और ये कह के किजारू एगेड आइलैंड से दूर चला जाता है। नहीं नहीं वो भाग नहीं रहा है, वो बस रनअप लेने गया है। फिर किजारू कहता है स्पीड इज पावर और अपनी पूरी पावर लगा के स्नेकमैन लूफी पे अटैक कर देता है और किजारू का अटैक इतना पावरफुल होता है ना कि वो लूफी को सीधा वेगा 401 के आर पार कर देता है जिससे वो रोबोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर आपको याद होगा तो 1000 सनी अभी भी वही है बट लकीली वो बादलों पर लैंड होने की वजह से बच जाती है बट फ्रैंकी अभी भी रोबोट के अंदर ही है तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। और फिर किजारू को वो सीन याद आता है जब वेगा पंक ने फर्स्ट टाइम उसे वेगा 401 दिखाया था, फिर बोनी किजारू पे अटैक कर देती है। लाइक सीरियसली एनीवेज तो किजारू बोनी से कहता है तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो। एनीवेज तो किजारू कहता है कि इस मिशन के दौरान मुझे अपने करीबी लोगों को क्यों हर्ट करना पड़ रहा है, प्लीज मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स मत करो। गाइज अगर किजारू की भी कोई बैक स्टोरी दिखाते हैं ना तो बहुत ही मजा आने वाला है कॉज किजारू का कैरेक्टर जैसे दिखा रहा है ना कि उसके लिए कई लोग बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो अपनी ड्यूटी की वजह से मजबूर है तो ये देखने में बहुत ही मजा आएगा। एनीवेज तो किजारू बोनी को किक करता है जिससे वो एगेड के बैरियर से जाके टकराती है। फिर किजारू अपना सस्ता इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और सीधे कंट्रोल रूम के बीचों बीच पहुंच जाता है एकदम वेगापंक के सामने। और फिर हमें एक बहुत ही ऑसम डबल पेज देखने को मिलता है जहां हम गियर 5 जायंट लूफी को देख सकते हैं जो कंट्रोल रूम के पास पहुंच चुका है और वो किजारू को पकड़ लेता है जिसे देखकर वेगापंक और सभी लोगों की आंखें शॉक से बाहर आ जाती है बट किजारू भी सिग्मा मेल होने की वजह से कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। और फिर वो सीन होता है जिसके बारे में मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहा था, निका की हार्ट बीट सुन के एंशिएंट रोबोट की आंखें खुल जाती है तो शायद उस रोबोट की एनर्जी का सोर्स लूफी हो सकता है जो कि मैं ऑलरेडी 4 महीने पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ। और हाँ नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है